निशान है, हमको एक गोली नहीं मार पाया अभी। तो और भाई लोग क्या हालचाल। अब इस गेम में मैं हमारे रमेश भैया, हमारे विप्लव भैया और हमारे एसपी भैया के साथ मंदिर पे आ जाता हूँ और हमारे विप्लव भैया को डरा धमका के उनकी 100 आरपी वाली ड्रेस हथिया के आगे बढ़ता हूँ। और ये बंदा हमारे विप्लव भैया को ऊपर से नॉक करता है तो इसका गेम बजाने मैं भी ऊपर पहुँच जाता हूँ। अब इस बंदे की बात छोड़ो, इन भाई की तो शॉटगन ही रिलोड पे आ गई, लेकिन वो बंदा कौन से नशे करके खेल रहा था, मैं उसके आके साइड में खड़ा हूँ और भाई को कुछ होश खबर कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्यों ही लोग इतना ज्यादा नशा करके गेम खेलते हैं। इतना ही ज्यादा नशा करना है तो भाई क्लब में जाके बैठ जाओ, गेम मत खेलो। और इस गेम में नशेड़ियों की कमी नहीं है, जैसे इस बंदे को देखो। अरे भैया जी दौड़े जा रहे हैं। अरे जरा दाएं भाई भी देख लीजिए, अब पड़ गया ना फटका, लॉबी जाइए, केडी भी गिरी, रैंक भी गिरी। अब वो भाई तो गए लॉबी, लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसे प्रकार और प्रजाति के प्राणियों की जो यहाँ पाए जाते हैं, जैसे इन भाई को देखो। मुझे सही में यार समझ नहीं आता कि कुछ बंदे ग्लिच क्यों यूज करते हैं, और ये एंशिएंट टेंपल वाला इवेंट आके दोबारा भी चला जाए ना तो पबजी वाले ये ग्लिच कभी नहीं ठीक करेंगे। कपड़े बुनने बैठवा दो इनसे, एक दिन में पूरे शॉपिंग मॉल के कपड़े बुन जाएंगे, लेकिन एक ग्लिच नहीं ठीक होगा। खैर हमारी रानी को ठिला के, उनकी लूट हथिया के, यहाँ से गाड़ी चेंज करते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी कुछ बंदे पूरी चौड़ में आते हैं। और भाई साहब यहाँ पे मैं स्कारल और M7 स्विच करके पूरे के पूरे चार बंदे ठिला देता हूँ। अब देखो जब गाड़ी से गाड़ी ठुकती है तो इस फाइट में सबसे बड़ी टिप ये है कि देखो कि बंदे किस तरफ फायर कर रहे हैं, उसके अपोजिट जाके मारो। जैसे ये लोग मेरे टीममेट पे फायर कर रहे थे और मैं पीछे से जाके चारों को लपेट दिया। और उन लोगों को ठिलाने के बाद जब हम लोग रिवाइव देने बैठते हैं तो कुछ लोग पहाड़ के ऊपर से दखल अंदाजी करने लगते हैं। तो अब इन लोगों की बारी, आखिर कैसे इनमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से, देखना तो पड़ेगा। और इन लोगों के हाथ में चाहे ग्रोजा दो, एमके दो, M249 दो, कुछ भी दे दो, ये लोग अपनी आदत से लाचारी हैं। चाहे रिज हो, घर हो, छत हो, साफ ही बनना है, झाड़ी की तो बात ही अलग है। अब उन लोगों को हम लोग लूट ही रहे होते हैं तभी दो बंदे नीचे गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, तो देखना पड़ेगा। और मैंने बोला था ना, चाहे पहाड़ हो, रिज हो, छत हो, घास हो, साफ तो साफ ही बनेगा। और अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोगों का एक टीममेट वहां आगे बैठा है और हमारे विप्लव भैया को कोई SKS पटका देता है और अब रस हो जाता है, तो अब संभालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी मुलाकात होगी एक नए प्रजाति के सांप से, देखो ये कौन है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बंदा इतना ज्यादा ढीठ था कि रिच पे लेटा हुआ था और जाते जाते भाई ये ग्रेनेड भी डाल के चले गए, जिसके कारण हमारे रमेश भैया पूरे के पूरे ठिल गए। और भाई लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ से AWM के फटके चालू होने वाले हैं। और ये तो हो गया एक शॉट, अब आगे देखो। और कैसा लगा ये रनिंग हेड दे दिया भाई को,
लेकिन ये इस गेम का एक ही रनिंग हेड नहीं है, आगे और भी रनिंग हेड देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमारे विप्लव भैया उन भाई को फिनिश कर देते हैं और मैं सबसे पहले आके एक गाड़ी फोड़ता हूँ, क्या पता कोई दूर से फोड़ के किसी एक को ठिला दे। और हमारे एसपी भैया ओपन में जाके नॉक हो जाते हैं और एक बंदा दूर से दखल अंदाजी कर रहा होता है तो पहले इसे पकड़ता हूँ। और चिंता मत करो, ये बंदा मेरे से ज्यादा ढीठ है भाई, वापस उठ के वापस आएंगे लड़ने। और अब ये लोग रिवाइव होके वापस आ चुके हैं। चचा ओ नहीं, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से बोलते हैं। इन भाई में इतनी ज्यादा चौड़ है कि भाई बिना हेलमेट के वापस पीक करके ओपन में मार रहे होते हैं, लेकिन इस बार भाई की सीधा सीधा पेटी बनाई जाती है। और ग्रोजा और सिक्सेक्स का नाकाम स्प्रे मारने के बाद मैं ओपन में भगने लगता हूँ। और चिंता मत करो, भाई के टीममेट भी भाई जैसे ही हैं, बार बार पीक कर रहे हैं, तो मैं निकालता हूँ AWM। और हमारे ये भाई क्राउच होके अपने नॉक टीममेट तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी मैं AWM इनके सर पे जड़ देता हूँ। और अब जोन भी आ चुका है तो मैं सोचता हूँ कि एक पेन किलर मार लूँ, और इन लोगों का पेन किलर मारते मारते इंतज़ार करता हूँ कि आए ये लोग। एक ना एक बंदा तो आएगा ही आएगा जो सीधा लॉबी जाएगा। भाई AWM होती है, चाहे सर पे लगे चाहे बॉडी पे लगे। भाई को पहले ही जोन से डैमेज पड़ रहा था और ऊपर से मैं AWM चिपका देता हूँ तो भाई सीधा लॉबी पहुँच जाता है। और तभी कुछ लोग वापस दखलंदाजी करना चालू कर देते हैं तो मैं निकालता हूँ AWM। भाई मैं मानता हूँ मेरी इज्जत नहीं है, लेकिन कम से कम AWM की तो इज्जत करो, खड़े हैं खिड़की पे पीक करके। और भाई अगर मैं इस बंदे को थोड़ा और जल्दी स्पॉट कर लेता तो हमारे विप्लव भैया अभी जिंदा होते, लेकिन अब नहीं कर पाया, क्या ही कर सकते हैं। और मुझे उन दोनों बंदों की तो किल मिल जाती है जिन्हें मैंने पहले नॉक किया होता है, तो अब बस मेरे 18 किल हो चुके हैं। अब अगला पड़ाव है जोन, किसी तरह जोन में पहुंचा जाए, जो बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। और पता नहीं क्यों यार, सही में इतने ज्यादा किल करने के बाद अगर जोन साथ ना दे और उसके कारण मर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और जरा हमारे एसपी भैया को देखो, गलती से आरपी ले लिए भाई ने, ये पीपी बाइजन चला के मिशन पूरे करने हैं। और हमारे एसपी भैया की जितनी घटिया पीपी बाइजन थी उससे कई ज्यादा बदतर मौत मिलती है, कतई एक सांप डस जाता है। और ये बंदा सोलो स्क्वाड खेल रहा होता है, पता नहीं क्या ही जोश है भाई को। और ये जरा ग्लिच देखो, ये भी आज तक नहीं ठीक हुआ। 18 किल मेरे थे और इस बंदे के मुझे 18 किल दिखा रहे हैं।